जब ये कार से गई थी तो इनके साथ मतलब किस तरह से ये लोग क्या करते हैं यार, व्यू कैसे मिल जाता है इन लोगों को वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस क्लिप में आप देख सकते हो कि ये कार में बैठी हैं और अचानक से पीछे से चूड़ी की आवाज़ आती है। जो मतलब द रियल वन वगैरह तो बेकार ही होगा इससे आगे, उनकी डेयर को वो एक्सप्लोरिंग इंडिया वगैरह जो करते हैं वो सब मतलब उनको तो पीछे ही छोड़ दिया, क्योंकि आवाज़ किसी उस हॉन्टेड लेडी ने जो यहाँ वहाँ पर जो है जो किस्सा है दिल्ली गैंग का, जैसा कि लोग बताते हैं ये लोग कि एक लेडी है वो कार को दौड़ाती है भी, बताओ कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है शो ऑफ करती है इस चीज़ का कि जो है ये तो पूरी तरह से हॉन्टेड ही है, और यहाँ से मतलब यहाँ पर जो है जो कहानियाँ हैं उसको सच साबित कर देना है कि यहाँ पर भूत है ही है। इस परछाई को जो इनकी शेडो आ रही है उसको आप गौर से देखिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई मुद्दे नहीं है जिन पर वीडियो बनाया जाए, लेकिन जब इस तरीके का कंटेंट बनाओगे कि यार वो हॉन्टेड कम फेक पूरा फेक भी नहीं। तो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी, आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे। तो आज मैं बात कर रहा हूँ इन मैडम के बारे में, ये जो है इनके बारे में बता दूं मैं कि ये जो है काफ़ी अच्छे व्लॉग बनाती हैं, लेकिन जो इनके व्लॉग अच्छे होते हैं वो सिर्फ डे के व्लॉग हैं, जो व्लॉगिंग जैसे नॉर्मल वे पे करते हैं लोग, उन बातों उन व्लॉग की बात कर रहा हूँ कि वो व्लॉग इनके काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन भाई बात यहाँ घूम करके फिर वही आ जाती है कि ये भी जो है हॉन्टेड जो है लाइन पर जो है कभी कभी आ जाती हैं और हॉन्टेड वीडियो शूट करती हैं, अपने हॉन्टेड व्लॉग बनाती हैं और काफ़ी अच्छा जो है दिखावा भी कर लेती हैं कि मतलब मैं जो है किस तरह से जो को फेक किस तरह से बनाया जाता है। तो मैं इनको भी आज दिखाता हूँ आपको कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने क्या क्या किया है अपने हॉन्टेड ब्लॉग में और किस तरह से फेक बनाया जाता है, वो यहाँ पर आपको वीडियो में दिखाता हूँ। तो पहली क्लिप आप ये देखिए कि इनके इस क्लिप में ये जा रही हैं दिल्ली कैंट, और दिल्ली कैंट ये एक बार नहीं तीन तीन बार गई हैं, अपने हस्बैंड के साथ गई हैं और कार से गई हैं अपनी जो है, और एक बार ये पैदल भी गई हैं। तो जब ये कार से गई थी तो इनके साथ मतलब किस तरह से ये लोग क्या करते हैं यार, व्यू कैसे मिल जाता है इन लोगों को वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस क्लिप में आप देख सकते हो कि ये कार में बैठी हैं और अचानक से पीछे से चूड़ी की आवाज़ आती है। सो दीपक कैसे रहा एक्सपीरियंस? बहुत खतरनाक, इसको तो डर लगा, कुछ नहीं दिया, निकल ले बेटा। क्या 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 सुनाई दे रही है? चूड़ी जैसी आवाज आ रही है, तेरे को नहीं आई? शीशा बंद है, शीशा बंद है। अब ये चूड़ी की आवाज कहाँ से आ रही भाई? इतना ज्यादा मतलब हॉन्टेड अभी तक के जो मतलब द रियल वन वगैरह तो बेकार ही होगा इसके आगे, उनकी डेयर को वो एक्सप्लोरिंग इंडिया वगैरह जो करते हैं वो सब मतलब उनको तो पीछे ही छोड़ दिया, वो जो काम करते हैं वो कभी उनके वीडियो में कभी इस तरीके की चूड़ी और जो है कटोरी की आवाजें नहीं आती हैं, लेकिन इनके वीडियो में ये चूड़ियाँ खनक रही हैं। तो मतलब वाकई इन्होंने तो भूत दिखा के ही माना कि हाँ है यहाँ पर। तो ये देखो आप इस क्लिप में देख सकते हो कि किस तरह से चूड़ियाँ जो है खनक रही है। सो दीपक कैसे रहा एक्सपीरियंस? बहुत खतरनाक, इसको तो डर लगा। अब आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ये जो चूड़ी की आवाज आई है, ये चूड़ियों की आवाज़ किसी उस हॉन्टेड लेडी ने जो यहाँ वहाँ पर जो है जो किस्सा है दिल्ली कैंट का, जैसा कि लोग बताते हैं ये लोग कि एक लेडी है वो कार को दौड़ाती है पीछे लग जाती है, और तो वो चूड़ी की आवाज़ उसने नहीं करी, वो चूड़ी की आवाज़ आई थिंक जो ओम है बंदा वो इनके साथ अक्सर जाता रहता है, काफ़ी सारे व्लॉग में इनके साथ गया है शूट करने, एक दो व्लॉग इनके साथ में शूट किए हैं उसने, तो वही गया है पीछे कार में जो है उसने जो है वो बैठा हुआ है। अब इन्होंने हल्का सा पीछे दिखाया अपनी कार में कि देखो भाई मेरे कार में यहाँ पर कोई भी नहीं है पीछे और ये चूड़ियों की आवाज़ आ रही है, तो वही है उसने। और आप भी समझदार हो इतने कि ये चूड़ियों की आवाज़ जो है किसी पर्सन ने ही व्यक्तिगत किसी द्वारा की गई है, और ऐसे भूत लोग चूड़ी की आवाज़ नहीं निकालता भाई। उसके बाद आगे आपको ले चलते हैं, ये देखिए एक क्लिप ये भी देखो कि ये एक ये किस तरह की हंसी है भाई, मतलब ये क्या है, ये खुद मतलब वो हॉन्टेड शूट करना है या खुद ही हॉन्टेड हो जाना है, तो ये भी एक एंटरटेनमेंट का विषय है।
खैर ये सब चीज़ें चल जाती हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। उसके बाद संजय वन जो है ये जाती हैं, और संजय वन में आपको एक गौर करने वाली बात बताऊं कि ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है शो ऑफ करती हैं इस चीज़ का कि जो है ये तो पूरी तरह से हॉन्टेड ही है, और यहाँ से मतलब यहाँ पर जो है जो कहानियाँ हैं उसको सच साबित कर देना है कि यहाँ पर भूत है ही है। अब वो आपको दिखाता हूँ किस तरह से है। ये देखिए इस क्लिप में मैं आपको अभी क्लिप दिखाने वाला हूँ, उसमें क्या करती हैं ये कि ये चलते चलते इनके हस्बैंड कैमरा लिए हुए हैं और ये आगे चल रही हैं, और चलते चलते इनको मतलब धक्का सा लगता है, ऐसा ये शो ऑफ कर रही कि मतलब धक्का लगा, इस तरह का शो किया इन्होंने कि किसी ने धक्का दिया इनको। अब आप मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, आप इनकी परछाई को जो इनकी शेडो आ रही है उसको आप गौर से देखिए, उस शेडो को, उस शेडो में आपको मतलब काफ़ी बारीक से देखना पड़ेगा इनके पैरों की तरफ, और उस पैरों में आप गौर करना कि वो धक्का किसी ने इनको नहीं दिया, एक पैर ज़मीन पर अपना ये खुद ही पटक रही है, और पटकने के बाद क्या तरीके से आगे बढ़ गई, वाह भाई वाह। तो वो एक मतलब मज़ेदार विषय रहा, वो मेरे को अच्छा लगा देखने में भी। तो उसके बाद आपको ले चलते हैं इसी संजय वन पे, मतलब इनके साथ जो शुरुआत हुई थी ये व्लॉग बनाने की, तो वो इस बिहार पर हुई थी। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो अपने भाई साहब एक और हैं जो मतलब इनके साथ में ये ज़्यादातर मतलब जो इस तरह के जो हॉन्टेड कैटेगरी है इनके साथ में शूट किया करते हैं कभी कभार, तो उनके साथ उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने इनको चैलेंज दिया। क्या चैलेंज दिया कि दीप्ति जी मैं आपके ब्लॉग देखता हूँ और मैं चेक करना चाहता हूँ कि आप में हिम्मत है अंदर तक संजय वन जाने की कि नहीं है, कब्रिस्तान तक, अंदर जो कब्र है। तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, इन्होंने जो है इस तरीके का विषय उठाया। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये भेज देते हैं इनको चैलेंज दे करके दीप्ति को कि मतलब वहाँ जाइए और अंदर हमको जो है जा करके दिखाइए। तो फिलहाल आप ये चीज़ क्लिप में समझो, मेरे बताने से आप समझ नहीं पाओगे कि क्या है मुद्दा। थोड़ा सा क्लिप में चला करके दिखा देता हूँ कि क्या इन लोगों के बीच में बातें हुई, और उसके बाद दीप्ति जी इनके चैलेंज के मुताबिक चल देती हैं अंदर संजय वन पे। चलो ये क्लिप देखो कि दो चार दिन पहले मुझे इंस्टा पर एक मैसेज आया था कि आप इस तरह के नाइट हॉन्टेड व्लॉग्स जो बनाते हैं क्या ये रियल होते हैं या फेक होते हैं। वो जिसका भी मैसेज आया था उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको चैलेंज दूंगा, ओपन चैलेंज, अगर आप मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो और वो करके दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा। और मैं इनका चैलेंज आज एक्सेप्ट करती हूँ, शुरू में हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कहाँ जाना है आपको, राइट जाना है इस समय। अब होता क्या है, आपने बता दूं कि ये क्लिप जो है आपको मैंने जो दिखाई अभी, इसमें ये दीप्ति जी अंदर गई, इनका चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्या बारीकी से दोनों में बढ़िया सी बातें हो गई भाई, ठीक है, और उसके बाद अंदर दोनों लोग चल पड़े, वाह भाई वाह, वारे कहानी, आनंद का विषय है। अब जब वापस आई तो नौटंकी दिखाता हूँ यहाँ पर आपको, वापस आई हैं तो बोल रही हैं राहुल जी आइए, मतलब हमारा ब्लॉग कम्प्लीट हो गया। राहुल जी आ जाओ, राहुल जी मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, मैंने आपको वीडियोस भी अपनी दिखा दी। तो अब यहाँ पर हंसने वाली बात आपको बताएं, ये सब चीज़ें हंसी के पॉइंट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई मुद्दे नहीं है जिन पर वीडियो बनाया जाए, लेकिन जब इस तरीके का कंटेंट बनाओगे कि यार वो हॉन्टेड कम फेक, पूरा फेक भी नहीं, वो तो हंसी का विषय लगता है कि आप कह रही हो कि भाई मेरा चैलेंज पूरा हुआ, राहुल जी आइए, और राहुल जी क्या कह रहे हैं, हाँ मैंने देखा आपका वीडियो कि आपने जो है चैलेंज पूरा किया और आप में जो है हिम्मत है अंदर जाने की, भाई कहाँ पे देख लिया वीडियो आपने। राहुल जी मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, मैंने आपको वीडियोस भी अपनी दिखा दी, तो अब ट्रस्ट हो गया आपको। ऐसा है कि इनकी वीडियो मैंने चेक की है, और जो आप ये बताइए कहाँ पर वीडियो देख लिया, अभी अभी तो बंदी जो है आई है वो, और अभी अभी ब्लॉग शूट करके वो बैठी है, और उसने आपको आवाज़ भी दिया है कि राहुल जी आइए मेरा ब्लॉग पूरा हुआ, तो वीडियो आपने कहाँ पर देख लिया भाई। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होता है कि आप उनसे पूछ रहे हो, मिस्टर राहुल जी आप उनसे पूछ रहे हो कि अंदर आपको जाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई वहाँ पर संजय वन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। नहीं तो आपको वहाँ पे किसी तरह का कोई मिसहैपनिंग वगैरह, क्योंकि आपकी कॉल्स तो मेरे पास तो नहीं आई, मेरे वीडियो देखने के बाद पता चलेगा आपको। अब वो क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि वो तो आपको जो है पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो भाई ये क्या है ड्रामेबाजी, एक तरफ से आप कह रहे हो
कि मैंने आपका वीडियो देख लिया, अच्छी तरह से चेक कर लिया और आप में हिम्मत है। अब वो कह रही हैं कि आपको पहले वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये दो बातें कैसे हो गई भाई, ये समझने का विषय है। तो इस तरीके के जो है कुछ ये क्लिपें हैं, ये देख सकते हो आप, मैं तो चला करके दिखा देता हूँ आपको। राहुल जी आ जाओ। राहुल जी मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, मैंने आपको वीडियोस भी अपनी दिखा दी, तो अब ट्रस्ट हो गया आपको। ऐसा है कि इनकी वीडियो मैंने चेक की है और जो आपने कब्र दिखाई है वो कब्र जो अगर मैं क्लियर कर लूंगा शायद वही है जो आपने, क्योंकि और कोई कब्र यहाँ पे है नहीं। और इनको सल्यूट है दिल से कि इन्होंने ये चैलेंज जो है, मैं बहुत हैरान हूँ कि यार जिस जगह मैं नहीं जा सका, जहाँ आपका रियल लेवल नहीं जा सका, वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मैंने इनको देखा है। जब मैंने इनको कि मैं अलग लोकेशन करके गया, मुझे थोड़ा टाइम लग गया, आप मेरे से पहले 5-10 मिनट पहले आ गई, हाँ ये चीज है, लेकिन मैं आप थोड़ा तेज चलती हूँ ना। नहीं तो आपको वहाँ पे किसी तरह का कोई मिसहैपनिंग वगैरह, क्योंकि आपकी कॉल्स तो मेरे पास नहीं आई, मेरे वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। वीडियो देखने जाएगा जिस भी यूट्यूबर्स के अंदर गट्स है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करे अब बात करते हैं इनके एक और वीडियो की, जो इन्होंने अपने घर पे बैठ करके बनाया, और उसमें ये दिखा रही कि कुंडा खटका है और कोई आया है, उसके बाद ये कुंडा खोलने जाती हैं। तो मैं आपको बता दूं वो रात का वीडियो नहीं है, इन्होंने शो किया इस तरीके का कि मैं घनघोर रात में बैठी हूं और वीडियो बना रही हूं, मतलब कोई गेम वेम खेलना है इनको जो भी हो। और तो वो आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन शॉट में, और मैं पहले तो थोड़ा सा क्लिप चला के दिखाता हूँ आपको, इस क्लिप में भी आप देख लो और स्क्रीन शॉट में भी आप देख सकते हो कि वो खासा पता चल रहा, अच्छा खासा दिखाई दे रहा है कि वो जो है रात का कहीं से सीन ही नहीं है। ठीक है, वो दरवाज़ा जैसे ही खोलती हैं आप चार ऊपर की ओर गौर करना, वो आसमान में जो है हल्का हल्का जो है उजाला सा हो गया है, उजाला हो गया यानी कि डेका है वो, इस तरह सा मेरे को प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो आप सब देख सकते हो ये रात नहीं होती भाई। और वो जो हाइलोजन बाहर जल रही है ना, तो सुबह 5-6 बजे तक जो है, 5 बजे तक जो है लाइटें जला करती हैं, लेकिन ऊपर आसमान जो है वाइट हो, वो ब्लू हो जाता है, यानी कि सुबह का उजाला हो जाता है। तो उसके बाद ये क्लिप देखो भाई, इसमें कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ के जो है यूट्यूबर हम लोग हैं। मैं लोगों को बहुत लोगों को कम पता है क्योंकि यहाँ के यूट्यूबर कोई नहीं है, हम ही है, तो हमें फेमस करनी है जगह। तो भाई यहाँ के यूट्यूबर हो गए ही हो गए, जब बाहर निकलना ही नहीं कहीं पे, तो उतनी जगह पे ही शूट करना बार बार, कभी खूनी नहर, कभी जो है वो दिल्ली में इतनी सारी लोकेशन, उसमें मैं पहले भी बहुत सारी बातें कर चुका हूँ। तो ये सब कुछ बातें हैं जिससे जो है ये हॉन्टेड को मजाक बना करके रख दिया है। सो अगर कुछ करना ही है तो उस तरह का मतलब जैसा कि जो है हॉन्टेड जो फील होती वो करो, कोई मैटर नहीं, आप 12 बजे नहीं जा पा रहे हो, आप 6 बजे भी जाओ, शाम को जाओ, दोपहर में जाओ, कोई मतलब नहीं है, ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जाने का मतलब वही आप वही चीज़ शो करो जो वहाँ पर आपको फील हो रहा हो, ऐसा ये नहीं कि पैरों को जो है पटकना, खुद ही गड्ढा, फिर उसके बाद ईटा फेंकना, पत्थर फेंकना, ये शो नहीं हो पाता, मज़ेदार नहीं लगता है। खैर बाकी आपका कंटेंट है, आप बनाते रहो, और मेरा कंटेंट है, मैं इस पर चर्चा करता रहूँगा। सो होप टू सी यू अगेन सो लॉन्ग विद अनदर कंटेंट, नंदन वाजपेयी। तो मिलते हैं फिर।